भारतीय कालगणना के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का अर्थात नव वर्षारंभ दिन का यह महत्व समझ लेंगे। इसी दिन से सत्ययुग आरंभ हुआ। यहीं से हिंदू संस्कृति के अनुसार कालगणना भी आरंभ हुई। इसी कारण इस दिन वर्षारंभ मनाया जाता है। यह दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नाम से मनाया जाता है। यह दिन कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संवत्सर आरंभ, वर्षारंभ, वर्ष प्रतिपदा, युगादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चैती चांद इत्यादि। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नव वर्षारंभ मनाने के कारण चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नववर्ष मनाना सर्वथा उचित है और शास्त्र सम्मत है। इसके अनेक कारण हैं। इनमें प्रथम देखते हैं प्राकृतिक कारण। इस दिन वसंत ऋतु आरंभ होती है। इस काल में वनस्पति अंकुरित होने लगती है। कुओं और तालाबों में नए स्रोत निकलते हैं। अब देखते हैं ऐतिहासिक कारण। इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। रावण का वध कर श्री राम इसी दिन अयोध्या लौटे। शकों ने हुणों को पराजित कर इसी दिन विजय प्राप्त की। शालिवाहन राजा ने शत्रु पर विजय प्राप्त की और इस दिन से शालिवाहन शक प्रारंभ किया। अब देखते हैं आध्यात्मिक कारण। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ब्रह्मांड से सत्वगुणी प्रजापति तरंगे सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है। इसलिए यह दिन वर्ष के अन्य दिनों की तुलना में सर्वाधिक सात्विक होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण यह है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। अन्य दिन शुभ कार्य हेतु मुहूर्त देखना पड़ता है, परंतु इन दिनों का प्रत्येक क्षण शुभ मुहूर्त ही होता है।